स्वागत है खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। सुजय विखे और पार्थ पवार इनका क्या काम है। पिछले 18 महीने में मुंबई में हुए हैं 3 बड़े फुटओवर ब्रिज हादसे। विकलांग छात्रा के स्कूल को 10वीं तक करवाने के लिए पीएमओ ने दिया दखल। अब खबरें विस्तार से। सुजय विखे और पार्थ पवार इनका क्या काम है। नेता के बच्चे हैं तो क्या इनको उम्मीदवारी देनी चाहिए। जलदाय मंत्री विजय शिवतारे इन्होंने कहा कि सुजय विखे और पार्थ पवार इनका काम क्या है। अलावा पार्थ और सुजय ये दोनों सिर्फ नेता के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें पक्ष में लिया जाए और उन्हें उम्मीदवारी दी जानी चाहिए क्या। ऐसा सवाल विजय शिवतारे इन्होंने किया है। इतना ही नहीं तो शरद पवार इनको हवा की दिशा ना समझने के चलते उन्होंने माड़ा लोकसभा मतदार क्षेत्र से हटने पर शरद पवार की आलोचना भी की। वैशाली होटल में विजय शिवतारे इन्होंने पत्रकारों से बातचीत में यह बातें कही है। मुंबई के सीएसटी स्टेशन से लगे फुट ओवर ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा गुरुवार शाम गिर गया, जो मुंबई में 18 महीनों में तीसरा ऐसा बड़ा हादसा था। पहला हादसा एल्फिंस्टन रोड रेलवे स्टेशन पर सितंबर 2017 में हुआ था, जिसमें कुल 29 लोग मारे गए थे। दूसरा हादसा जुलाई 2018 में हुआ था, जिसमें एक ही मौत और कई घायल हुए थे। और तीसरा मतलब फुट ओवर ब्रिज हादसा 14 मार्च 2019, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है और 34 घायल है, जिस पर केजरीवाल और पीएम मोदी ने शोक जताया है। केरल के एक विकलांग छात्र के 7वीं कक्षा तक के स्कूल को 10वीं कक्षा तक करवाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने दखल देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को मामले पर तुरंत संज्ञान लेने को कहा है। छात्र 2 साल से हम मांग कर रहा था और 4 दिन पहले उसने राज्य सचिवालय तक मार्च शुरू किया था। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज़ के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना।